10-15 दिन घर रहने के आने के बाद बुखार ही बुखार, तो अब फिर से शुरू करना होगा। अब पीटी का रिजल्ट तो दरोगा का पता नहीं कब आएगा, 10 या 12 तारीख तक सुन रहे हैं कि आएगा, या 15 तक, हो सकता है 15 के आसपास तक बिहार दरोगा का रिजल्ट आ जाए। लेकिन इसमें BSSC इंटर लेवल वाला भी एग्ज़ाम है इसमें, तो उसके लिए भी पढ़ना है और बिहार दरोगा का मेंस का भी। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि सिलेबस, तो सिलेबस दोनों का देखने के बाद सबसे पहले नोट किए हैं कि किसी का क्लास ज्वाइन करें। अब PCS वाले लोग का, बिहार दरोगा वाले लोग का मैथ ऐसे ही कमज़ोर होता है, मैथ तो मेरा भी कमज़ोर है, लेकिन धन्य है कि हमारे पास इंजीनियर साहब है कि कुछ कुछ मैथ बताते रहेंगे। तो क्लास करने से बेहतर हम सोचते हैं कि अब इतना टाइम नहीं है कि क्लास किया जाए, तो मेंस के लिए बिहार दरोगा का जो टॉपिक है उसको अलग से छांट के नोट किया गया है। उसके बाद BSSC का अलग से, उसके लिए भी नोट किया गया है कि उसका क्या है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं उसको पहले नोट डाउन किए हैं कि किस किस। तो मैथ के लिए सोचे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा जाए, जो BSSC इंटर लेवल के लिए हो और बिहार दरोगा के मैथ के लिए हो और रीजनिंग के लिए हो। तो जो कॉमन टॉपिक है उसको पहले नोट करके उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। और GS का रहा तो अब क्या पढ़ा जाए, GS तो इतना दिन से GS ही पढ़ रहे हैं, तब सोचे बस ये लिख लिए हैं, प्रीवियस ईयर बिहार का है BSSC, और BPSSC का जितना CS BC का जो एग्ज़ाम हुआ है, और 2 किताब, कि इसका कम से कम क्वेश्चन बैंक लगा ले कि जो जानते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं वो ना हो। तो टाइम कम है तो ये दोनों बुक को लगाने की कोशिश करेंगे, और मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो मैथ रीजनिंग वीक है, तो उसके लिए काम करेंगे। दिल्ली आने के बाद पहला नहीं दूसरा वीडियो है ये, तो यही है सोर्स पढ़ने का, BSSC और बिहार दरोगा मेंस के लिए। ऐसे घटना चक्र वगैरह लूसेंट पहले से पढ़े हुए हैं तो अभी उसको नहीं पढ़ा जाएगा, यही BSSC के लिए, और इसके लिए बिहार दरोगा मेंस के लिए पढ़ा जाता है। आप देखिए रिजल्ट कब तक आएगा ये देख सकते हैं, इसको नोट डाउन किए हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये पता ज़रूर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है और कौन टॉपिक पे ज़्यादा समय देना है, जहाँ से ज़्यादा नंबर हो रहा है। ऐसा ना हो कि क्लास वगैरह के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि लंबा टाइम क्लास में लगेगा, तो GS पढ़ने की कुछ तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन बैंक लगाएंगे और मैथ और रीजनिंग पर विशेष फोकस करना होगा। दवा भी लेके बैठे हुए हैं पास में, बुखार 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 आने के बाद से, पता नहीं घर से आने के बाद घर का पानी और यहाँ का पानी, कुछ नहीं इन्वायरमेंट बदलने पे होता है ना, ठंड भी लग सकती है, 1-2 दिन दौड़ने गए थे यहाँ भी तो ठंड भी लग सकती है। बस इतना ही है आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।